नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके अन्य YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप लोग जो लेखपाल की परीक्षा हुई है उस कट ऑफ के दौर से निकलिए और अपने आप को और मजबूत बनाइए। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर इस बार आप जो पेपर वो अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम पेपर परीक्षा को छोड़ रहे हैं। अब हमारा यूपी की परीक्षाओं से क्या कहते हैं मन हट गया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या कहते हैं, अगर हम भूत की बात करें तो भूत में भी नकल होता था, प्रेजेंट में भी है और आगे भी नकल होता रहेगा। और आप ये मान के चलिए जो भी आपका लेवल है उस लेवल को आप थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। क्योंकि देखिए सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है और जो सफलता आपको मिलेगी वो निरंतर मेहनत करने से ही मिलेगी। और कट ऑफ के संबंध में एक विस्तृत वीडियो इसके पहले चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके फिर रिदम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो पीटी का सिलेबस है उस पीटी के सिलेबस को अच्छे से कवर किया जा सके और पीटी की परीक्षा जो एक्सपेक्टेड डेट है आपके अगले मंथ में ही है। तो आप उस जो भी आपके साथ बुरा दौर या अच्छा दौर जो भी चल रहा है उस दौर से निकलिए और एक अलग दौर के लिए तैयारी करिए, क्योंकि पीटी ही आपकी आने वाली एक साल में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उस परीक्षाओं के लिए पीटी ही आप सबसे जरूरी है और पीटी के माध्यम से ही उस परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, मैंने आपके सम्मुख जो पीटी का सिलेबस उस सिलेबस को लिख रखा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको धैर्य बनाए रखना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन पीटी से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, तैयारी कैसे की जाए। देखिए आज आप लोग इतने सक्षम है कि आप लोग को किसी भी प्रकार से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, हर चीज आपके सिंगल क्लिक पे है, लेकिन उसका कैसे अच्छा उपयोग करेंगे ये चीजें हम आपको बताने के लिए आए हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पीटी का सिलेबस, मैं अपना पीटी का अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। जो पिछली बार मेरे नंबर थे ठीक ठाक नंबर थे तो उन्हीं नंबरों को बेस बनाते हुए उसी को आधार बनाते हुए मैं आपको इसमें अभी केवल सिलेबस डिसाइड करूंगा, सिलेबस बताऊंगा और जो अगला वीडियो होगा उस अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कौन सी बुक्स पढ़े और किस मैनर में पढ़े जिससे कि आप सफलता को हासिल कर सके और पीटी में आप अपना 85+ मार्क्स का जो टारगेट है उस टारगेट को बना के चलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मोटा मोटी देखें तो इसमें जो पीटी का सिलेबस है उस पीटी के सिलेबस में सभी विषयों को समाहित किया गया, ठीक है। आप देखेंगे आप पाएंगे समान अध्ययन भी है जिसको हम लोग GS/GK बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल आपका अगर नंबर की बात हम बात करेंगे GS/GK है। इसके अतिरिक्त इसे में आप अगर बात करते करंट भी है, ठीक है, आपका हिंदी भी है, आपका इंग्लिश भी है, ठीक है, आपका मैथ भी है, ठीक है। मैथ के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपका रीजनिंग भी है, ठीक। मीन्स यू हैव टू रीड ऑल दी सब्जेक्ट, आपको वो सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मीन्स योग्यता वाली परीक्षा है। तो इसमें सब चीजें देखेंगे आप। जीएस में फर्दर इसको डिवाइड कर लेंगे तो आप में हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, और आपका ज्योग्राफी है, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करेगा दैट विल प्ले मैथ, ठीक है, एंड करंट। देखिए होता क्या है कि मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप सिलेबस को देखेंगे 25 नंबर की आपके मैथ है तो इसमें आप ये पाएंगे कि आप ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं करंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप करंट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो करंट अच्छा परफॉर्म करने से ये होगा कि आप करंट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म करिए तो दूसरों से आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए रीजनिंग है, इंग्लिश हम लोग हिंदी पट्टी के क्षेत्र हैं तो इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए आपको बहुत बड़ी मोटी बुक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर आपको जितनी भी चीजें आती है बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, रिविजन पर ज्यादा फोकस कीजिए, आपको एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए क्योंकि टोटल अगर बात करेंगे तो 5 ही नंबर की, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे मैथ हो गया, आपका करंट हो गया, ठीक है, तो ये अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी होगी तो आप रेस में दूसरों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि करंट को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा
वो आपको किस तरीके कहाँ से पढ़े, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको एक सिंपल सोर्स कोई भी मिल जाए जिसमें 6 महीने के अच्छे से करंट दिया हुआ, आप उसको अभी ही ले लीजिए, ठीक है, वो अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तालिका की अपठित व्याख्या एवं ठीक है विश्लेषण, ये आपका मैथ का पार्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग अगला पार्ट अपठित गद्यांश, आप जानते हैं ये हिंदी का पार्ट है, ठीक है। भारतीय इतिहास हो गया 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका भूगोल हो जाएगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर की आएगी। अब देखिए ये क्या है, आपका मैथ वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तालिका की व्याख्या आपका 10 नंबर का हो जाएगा। अगर मैथ की हम बात करते हैं तो टोटल इट विल बी 25 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक अंकगणित हो गई, ग्राफ की व्याख्या भी आपकी क्या होगी 10 नंबर की हो जाएगी। यहाँ पर आप ये चीज देखिए, यानी 10 नंबर ग्राफ की व्याख्या हो गया, ठीक है, 10 नंबर तालिका की व्याख्या हो गया और 5 नंबर आपका अंकगणित हो गया, यानी 25 नंबर की आपकी मैथ होगी, 5 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ तक चीज हो गई, देखिए सामान्य हिंदी आपकी 5 नंबर की हो गई, सामान्य अंग्रेजी की हम लोग बात करते हैं 5 नंबर आपकी सामान्य अंग्रेजी की हो जाएगी, अंग्रेजी का हो जाएगा। समसामयिकी यानी जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है, ये आपका करंट हो जाएगा 10 नंबर का, और सामान्य जागरूकता ये आपकी क्या हो जाएगी 10 नंबर की हो जाएगी। यानी ये आपका टोटल सिलेबस है, इस सिलेबस को आप चाहेंगे तो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, नहीं तो इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये तो आपका सिलेबस है, सिलेबस का मतलब सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में कितने टॉपिक दिए हुए हैं, हिंदी में टोटल अगर बात अपठित गद्यांश को मिला लेंगे टोटल मतलब 10 टॉपिक है, इसके अतिरिक्त 9 टॉपिक और, इसमें संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों को मतलब एक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हो गया, ठीक है, मतलब जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, अगर आप लोगों ने लेखपाल की परीक्षा दी होगी तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इसी सिलेबस को आधार बनाकर एक हम लोग डिटेल्ड स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि मतलब आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और दूसरी चीज है कि हम कौन से सोर्स को अपनाएं जिससे हम बेहतर कर सके। देखिए मैं अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखिए चीजों को एक बार से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ना कि आप देखेंगे कि देखिए आप यूट्यूब पर जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, आपको एक दिन किसी कोई दूसरी बुक अच्छी लगेगी, दूसरे दिन कोई दूसरी बुक अच्छी लगेगी। तो हमको बुक्स से नहीं मतलब, हमको ज्यादा बुक्स नहीं लेनी, बुक्स से मतलब तो लेकिन ज्यादा बुक्स नहीं लेनी, एक बुक लीजिए उसी को 10 बार पढ़िए, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा, यही आपके लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस दिन हम लोगों ने सिली मिस्टेक्स को कम कर दिया, मीन्स हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया, क्योंकि हम इतने मेच्योर हो चुके हैं और इतनी हमकी जानकारी है कि किस प्रकार से जो पेपर है उस पेपर में अच्छा करें, ठीक है। तो हमको अपनी गलतियों को कम करना है, और गलतियां तभी कम होंगी जितना आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए करंट की अगर बात करें, करंट मतलब क्या, इसमें लिखा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना पूरे विश्व में कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, लेकिन नहीं, हमको सब चीज कहां पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कोई ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, चाहे घटना चक्र की हो गई या घटना सार की हो गई, जिसमें 5-6 महीने का करंट आपका दिया, तो उससे आप इन चीजों को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा हो तो उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।